नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारे चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उसके जो सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे, यानी कि हमारे सारे ग्रामर के टॉपिक, वो हमने डन कर लिए है, राइट? आज स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही साथ उन चैप्टर में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसकी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो हमारा एफ ए वन एग्जाम की रिवीजन के ऊपर है, दैट मीन्स कि आप लोगों को एफ ए वन एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, हमारे लेसन के, हमारे पाठ के कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 हमारा है प्रार्थना। क्या है हमारा चैप्टर 1? प्रार्थना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर 1 प्रार्थना है, वो एक कविता है और ये कविता हमने कहाँ से ये ली गई है, ये कविता वेद में से। तो वेद कितने हैं? वेद हमारे 4 है। देखो ये सारी बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। ये भी मैंने जब हमारा लेसन शुरू किया तब भी आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर की थी। वापस थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर 2, 3 भी स्टार्ट में हो चल गया है बाद में, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 साथ में एक साथ कर रहे हैं। जैसे कि ये चैप्टर की बात करेगी कविता, प्रार्थना और ये वेद में से ली गई है। वेद हमारे 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, राइट? तो यहाँ पर इस कविता में क्या है, चैप्टर नंबर 1, पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इस कविता में क्या है, तो इस कविता में प्रार्थना की गई है भगवान को, हे ईश्वर हमारा पथ प्रकाशित कीजिए, आप सजीव तथा निर्जीव सभी के स्वामी हैं। भगवान है वो क्या है, वो है हमारे रास्ते को आलोकित करे, आलोकित यानी कि प्रकाशित करे, वो हमारे सजीव और निर्जीव सबके स्वामी है। भगवान है वो क्या है, वो हमारे सजीव और निर्जीव सबके स्वामी है, राइट? और वो हमारे मार्ग को प्रकाशित करे। खास कर ये याद रखना कि आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 के शब्दों के अर्थ है उसको एक बार जरूर देख लेना है। हमें सही रास्ता दिखाइए और ऐसी नजर दीजिए कि सही और गलत की पहचान कर पाए। क्या कह रहे हैं कवि कि यहाँ पर कि हमें भगवान ऐसी दृष्टि दीजिए, ऐसी नजर दीजिए कि हम लोग सही और गलत की पहचान कर पाए, हमारे मन से बुरे विचार दूर कीजिए ताकि आपसे प्रेरणा पाकर हम लोग सही मार्ग अपनाए। यानी कि क्या बात है कि भगवान को हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हम हमेशा सही रास्ता चुने, कभी भी गलत मार्ग पर ना चले, राइट? और हमारे मन के जो दूर विचार है, दूर विचार यानी कि बुरे विचार, वो सारे विचार दूर हो जाए और आप ही हमारे पिता हो और आप ही हमारे मार्गदर्शक हो। मार्गदर्शक यानी कि मार्ग बताने वाले, यानी कि हमें सही मार्ग दिखाने वाले कौन है, हमारे मार्गदर्शक भगवान ईश्वर, और वही हमारे पिता भी है, क्योंकि पिता होता है वो हमारे घर का मुंह भी होता है। जैसे कि हमारे घर में सबकी जरूरतें कौन पूरे करता है, पिता, राइट? तो उसी प्रकार भगवान हमारे पिता है, ईश्वर है और साथ ही साथ हमारे मार्गदर्शक भी है। आपसे हम शक्ति तथा ज्ञान का प्रकाश पाते हैं, हम लोग भगवान से क्या पाते हैं, शक्ति तथा ज्ञान का प्रकाश, राइट? अब उसके इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, राइट? क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 के देखते हैं। सबसे पहले हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला कौन है, तो ऑफ कोर्स कौन है, हमारे भगवान ईश्वर। हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला संसार का रचयिता ईश्वर है, वही हमारा मार्गदर्शक करता है, राइट? जैसे कि हमने आगे अभी बात की, मैंने आप लोगों को ये कविता समझाई कि क्या था उसमें, कि वही हमारे मार्गदर्शक है।
हमारे मार्ग को प्रकाशित करने वाला संसार का रचयिता ईश्वर ही है, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन कि मन के दूर विचार दूर होने पर क्या होगा। मन के दूर विचार दूर होने पर क्या होगा, तो मन के दूर विचार दूर होने पर हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, हम अच्छे कर्म कर अपना जीवन सफल बना देंगे। क्या करेंगे हम लोग, हमारे मन के दूर विचार है वो दूर होंगे और जिससे हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, किससे, अच्छे कर्मों से। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किससे हमारा जीवन सफल बन सकता है, तो अच्छे कर्मों से। ईश्वर हमारे मार्गदर्शक हो ऐसा क्यों कहा गया है, तो ईश्वर हमारे पिता पालक और रक्षक है, वही हमें सही राह दिखा सकते हैं जिस पर चलकर हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, राइट। ईश्वर हमारे पिता है, मार्गदर्शक है, वही हमें अच्छा जीवन सही जीवन जीने की राह दिखाते हैं, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वो हमारे मार्गदर्शक है। नाम लिखने की बारी वाले प्रश्न देखते हैं, ईश्वर से पथ आलोकित करने के लिए क्यों प्रार्थना की गई है। ईश्वर से पथ आलोकित करने के लिए क्यों प्रार्थना की गई है, तो ईश्वर हम सबके पिता है, वही हमें सही राह भी दिखा सकते हैं, राइट। ईश्वर हमारे पिता है और वही हमें सही राह दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन भी कर सकते हैं और हम में सद्गुणों का विकास कर सकते हैं, हम में अच्छे गुण आए ऐसा विकास सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान ही ईश्वर ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हीं से हमारा पथ प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि अच्छे गुण लाना, सही मार्ग दिखाना, हमारी रक्षा करना, ये सब कुछ ईश्वर ही कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ही कहा गया है कि वो हमारे पथ को आलोकित करे यानी कि प्रकाशित करे। नाउ सेकंड वाला, चेतन से कवि का संकेत किन की ओर है। चेतन से कवि का संकेत किन की ओर है, तो चेतन का शाब्दिक अर्थ है सजीव। हमने देखा था जड़ और चेतन, तो जड़ यानी कि क्या होगा, जड़ यानी कि कोई भी निर्जीव वस्तु, राइट, नॉन लिविंग थिंग, और चेतन यानी कि सजीव वस्तु जो हिल सकता है, चल सकता है, बड़ा हो सकता है वो। और यहाँ पर चेतन की बात हो रही है मनुष्य। चेतन से कवि का संकेत किनकी ओर है, तो चेतन का शाब्दिक अर्थ होता है सजीव, अर्थात जिनमें चेतना हो, ज्ञान हो और जो सजीव हो। हाँ, इस कविता में कवि का संकेत मनुष्य की ओर है, किसकी ओर है, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के ही जीवन को भगवान है, ईश्वर है, वो आलोकित करेंगे। नाउ थर्ड वाला क्वेश्चन, शक्ति और आलोक जीवन में उतार कर हमें क्या लाभ होगा। शक्ति और आलोक जीवन में उतार कर हमें क्या लाभ होगा, तो शक्ति तथा ज्ञान का प्रकाश अपने जीवन में उतार कर हम सही राह अलग और गलत का अंतर कर पाएंगे। अगर हमारे जीवन में, मन में शक्ति और आलोक यानी कि प्रकाश होगा, तो हम लोग सही और गलत की पहचान कर पाएंगे, अपने में से सद्गुणों का विकास कर हम लोग जीवन को सफल बना सकते हैं, राइट। हम में जो अगर अच्छे गुण होंगे, दुर्गुण नहीं होंगे, तो हम लोग हमारे जीवन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं, यानी कि जीवन को सफल बना सकते हैं। नाउ फोर्थ वाला, इस कविता का मुख्य भाव एक अनुच्छेद में लिखिए। इस कविता द्वारा कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें ईश्वर से सदा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारा मार्गदर्शन प्रकाशित कर हमें सही राह दिखाए। वह तो सजीव और निर्जीव के स्वामी है। देखो ये जो पैराग्राफ है उसमें सारे आंसर, सारे काव्य का जो भावार्थ है, सारे काव्य में हमें क्या क्या बातें की गई है कि हमें सजीव है हम लोग, तो वो हमारे भगवान है, वो हमारे पथ को प्रकाशित करे, हमारे में हमारे मार्गदर्शक बने, हम में से दुर्गुणों को दूर करे, हम में सद्गुणों का विकास करे जिससे हम लोग हमारे जीवन को सफल बना सके, राइट। वह तो सजीव और निर्जीव सभी के स्वामी पालक और रक्षक है। कौन, ईश्वर।
ईश्वर हमारे मन से बुरे विचार दूर करे, वे हमें शक्ति दे ताकि हम लोग सही राह को चुनकर हमारे जीवन को सफल बना सके। पिता परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि हम उनसे ज्ञान का प्रकाश पाकर तन मन को स्वच्छ बना ले। राइट, भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे हमें सही राह दिखाए और हमारा तन मन सब कुछ स्वच्छ कर दे। राइट, नाउ दूसरा चैप्टर है टू और चैप्टर नंबर टू है सच्चा न्याय। तो देखो वो तो काव्य था पर ये एक लेसन है, तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ ही देखते हैं चैप्टर टू का। सबसे पहले पेज नंबर 111 पर यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी, उनका पुत्र राहुल आकर उसकी गोद में बैठ गया। तो उसमें से ये प्रश्न बन सकते हैं कि राहुल यशोधरा कहाँ बैठी थी, यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी, राहुल कहाँ आकर बैठ गया, तो राहुल उसकी माँ की गोद में आकर बैठ गया। देखो कौन कौन से अभी प्रश्न बन सकते हैं वही मैं यहाँ पर समझा रही हूँ। ये लेसन आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है कि इस लेसन में क्या था। राइट, तो लेसन एक्सप्लेन नहीं कर रही पर किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं छोटे छोटे उसकी बात अभी मैं कर रही हूँ। जैसे कि यशोधरा कहाँ बैठी थी, तो यशोधरा अपने कक्ष में बैठी थी। राहुल कहाँ पर आया, तो यशोधरा के कक्ष में। राहुल कहाँ पर बैठा, तो यशोधरा की गोद में। राइट, इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। फिर राहुल माँ मुझे कहानी सुनाई ऐसा कह रहा था, तो राहुल यशोधरा के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। फिर राहुल क्या जिद कर रहा था, राहुल को क्या सुनना था, तो राहुल को कहानी सुननी थी। क्या सुननी थी, कहानी, और वो कहानी सुनने की जिद कर रहा था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर यशोधरा ने किससे कहानी, कौन सी कहानी सुनाई, किससे जुड़ी हुई कहानी सुनाई, तो यशोधरा ने राहुल के पिता सिद्धार्थ की कहानी सुनाई। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि राहुल के पिता का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। यशोधरा के पति का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। और यशोधरा ने किससे जुड़ी कहानी बताई, तो उसके पिता की यानी कि सिद्धार्थ की कहानी सुनाई। फिर सिद्धार्थ थे वो कहाँ शेयर करने निकले थे, तो उपवन में यानी कि बाग बगीचे में। उपवन में कैसा वातावरण था, तो उपवन में सुखद वातावरण था। कैसा वातावरण था, सुखद। तो सुखद वातावरण में कैसी घटना घटी, तो सुखद वातावरण में एक दुखद घटना घटी। कौन सी घटना घटी, देखो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। कैसी घटना बनी, तो सिद्धार्थ ने एक घायल हंस को गिरते हुए देखा। फिर घायल हंस को तीर किसने मारा था, यस देवदत्त ने। घायल हंस को देवदत्त ने तीर मारा था। और देवदत्त कौन है, तो देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। देवदत्त है वो राहुल का क्या लगता है, तो राहुल के वो चाचा लगते हैं। राइट, फिर दोनों भाइयों के बीच क्या हो गया, तो दोनों भाइयों के बीच वाद विवाद हो गया। कैसा वाद विवाद, हंस के लिए। तो हंस के लिए वो दोनों झगड़ रहे थे कि सिद्धार्थ कह रहे थे कि मैंने इसको बचाया है इसलिए यह हंस मेरा है, और देवदत्त ऐसा कहते थे कि मैंने इसको मारा है इसीलिए यह हंस मेरा है। और फिर सारी बातें कहाँ पर गई, न्यायालय में। राइट, न्यायालय में कौन होता है जो न्याय करता है, न्यायाधीश। राइट, तो न्यायाधीश ने क्या न्याय किया, तो न्यायाधीश ने हंस को खुला छोड़ दिया और कहा कि हंस जिसके पास जाएगा उसी का हंस होगा। फिर हंस कहाँ गया, किसके पास गया, तो हंस सिद्धार्थ के पास गया। क्यों, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। राइट, तो स्टूडेंट आपको समझ में आए कि इतने से लेसन में कितने छोटे 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 क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए मैंने लिए क्योंकि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए ये भी हमें पता होने चाहिए कि एक लेसन में से जरूरी नहीं कि हमारी बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले में से ही प्रश्न हो।
कोई अलग प्रश्न भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हमारे बोलने की बारी और लिखने की बारी को एक बार फटाफट देख लेते हैं। राहुल माँ से जिद क्यों कर रहा था? तो राहुल अपनी माँ से यशोधरा से कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। हंस किस प्रकार घायल हो गया? तो सिद्धार्थ के भाई देवदत्त ने हंस को तीर से घायल किया था। न्यायाधीश ने न्याय करते हुए क्या कहा? तो न्यायाधीश ने दोनों भाइयों सिद्धार्थ और देवदत्त को आमने सामने खड़ा कर दिया और हंस को आजाद करते हुए कहा कि यह हंस जिसके पास जाएगा उसी का होगा। राइट, नाउ लिखने की बारी वाले देख लेते हैं। यशोधरा ने राहुल को किसके जीवन से संबंधित कहानी सुनाई? यस, राहुल के पिता की यानी कि सिद्धार्थ से जुड़ी कहानी सुनाई। उसके बाद नेक्स्ट, देवदत्त ने हंस को क्यों मारा? तो देवदत्त ने हंस का शिकार करना चाहा था, इसीलिए उसने उसे तीर मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों न्यायालय क्यों गए? देवदत्त और सिद्धार्थ न्यायालय क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि वह देवदत्त का कहना था कि उसने हंस को गिराया है इसलिए वह उसका है, और सिद्धार्थ का कहना था कि उसने हंस को बचाया है इसीलिए हंस उसका है। राइट, इसी वाद विवाद में ये फैसला सुनने के लिए तय करने के लिए सारी बात न्यायालय तक पहुंच गई। नाउ 4, हंस सिद्धार्थ को क्यों मिला? क्योंकि जैसे ही मैंने आगे बात की कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, और न्यायाधीश ने जब ये कहा कि हंस को आजाद करते हैं और हंस जिसके पास जाएगा हंस उसी का होगा। राइट, इसी तरह हंस सिद्धार्थ के पास गया और सिद्धार्थ को हंस मिल गया। ओके, राइट, नाउ देखते हैं चैप्टर 3, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, कौन सा है? पेंसिल बोली। तो राइट, इसमें से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। पेंसिल बोली, तो इसमें क्या क्या था? सबसे पहले आप लोगों को सारे शब्दार्थ एक बार देख ही लेने हैं। राइट, तो देखो सबसे पहले तो सुंदर लेखन प्रतियोगिता थी। तो कौन सी प्रतियोगिता थी? सुंदर लेखन यानी कि सुलेखन प्रतियोगिता थी। देखो इसमें से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, यही बात मैं अभी कर रही हूँ। तनीषा नाम की एक लड़की थी, वो कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? कक्षा 4 में। तनीषा को पुरस्कार में क्या मिला था? तो तनीषा को पुरस्कार में एक पेंसिल मिली थी, और पेंसिल कौन से रंग की मिली थी? तो लाल रंग की पेंसिल मिली थी। राइट, फिर पेंसिल अचानक अपने आप क्या बनाने लगी? यस, चित्र बनाने लगी। राइट, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वही बात हम लोग कर रहे हैं कि पेंसिल अपने आप चित्र बनाने लगी। फिर तनीषा को कौन पुकार रहा था? यस, तनीषा को उसकी पेंसिल पुकार रही थी। राइट, लाल रंग की पेंसिल। फिर तनीषा ने क्या कहा कि पेंसिल के अंदर क्या होती है? एक पतली सी छड़ होती है, और वो छड़ किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। राइट, पेंसिल की जो छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट पहले कहां से आता था? चीन से लाया जाता था। राइट, और ज्यादातर पेंसिलें कौन से रंग की पाई जाती थी? पीले रंग की। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट था वो चीन से मंगवाया जाता था, और चीन में इस पीले रंग को भव्यता और शान का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सारी पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाए। राइट, इसीलिए ज्यादातर पेंसिलें पीले रंग की पहले मिलती थी। राइट, फिर जो तनीषा की अध्यापिका थी उसने क्या कहा था कि पेंसिल से हम लोग मोती जैसे अक्षर बना सकते हैं। मोती से अक्षर हम लोग पेंसिल से बना सकते हैं, खासकर जब हम लोग हमारी पढ़ने लिखने की शुरुआत करते हैं तो हम लोग पेंसिल से ही करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से हमारी जो गलती होती है
उसको हम लोग रब करके वापस सही कर सकते हैं। फिर 19 नवंबर को क्या होता है, 19 नवंबर को पेंसिल का जन्मदिन होता है, यानी कि उसी दिन अमेरिकी वैज्ञानिक हाफ मैन लीन मैन, कौन है अमेरिकी वैज्ञानिक हाफ मैन लीन मैन ने पेंसिल की खोज की थी। कैसी पेंसिल, जिसके ऊपर एक रबर लगा हो, ऐसी पैटर्न मिली थी, और इसीलिए 19 नवंबर को यूरोपीय देशों में सबको फ्री में पेंसिल बांटी जाती है। और 1622 में, जैसे कि मैंने कहा कि 1622 से पेंसिल का उत्पादन हो रहा है, पुराने समय की पेंसिलें आज की पेंसिलों से अलग हुआ करती थी। पहली अमेरिकी पेंसिल सन 1812 में बनाई गई, अमेरिकी पेंसिल सबसे पहली 1812 में बनाई गई। फिर एक सामान्य पेंसिल से हम लोग 35 मील तक लंबी लाइन खींच सकते हैं और 45,000 शब्द लिख सकते हैं। एक सामान्य पेंसिल की बात है, राइट। और अचानक फिर क्या हुआ, तो अचानक तनीषा ऐसी आवाज आने लगी थी, और तनीषा क्या देख रही थी, सपना देख रही थी, राइट। तनीषा को किसने उठाया, तो तनीषा को उसकी माँ ने उठाया। फिर तनीषा ने अपनी माँ से क्या कहा, तो तनीषा ने कहा कि उसने एक पेंसिल का सपना देखा, जिसने पेंसिल ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। फिर उसकी माँ है वो भी क्या सीख देती है, वो सीख देती है कि तुम भी पेंसिल की तरह बनो। पेंसिल कैसे एकाग्रता से काम करती है और अपनी छाप छोड़ती जाती है, वैसे तुम भी एकाग्रता से काम करो और अपने निशान दूसरों पर छोड़ते चलो, यानी कि अपनी छाप। हम अच्छे काम करेंगे तो हम लोग अच्छी तरीके से पहचानेंगे सब हम लोग हमें, राइट। तो इसी प्रकार हमें अच्छे कर्मों की छाप दूसरों पर छोड़ते चले जाना है, राइट। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 था, उसके जो हमारी बुक के क्वेश्चन आंसर है उसको एक बार देख लेते हैं। तनीषा कौन थी, तो तनीषा 4th कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा थी। पेंसिल ने कौन कौन से चित्र बनाए, तो पेंसिल ने फूलों, उड़ती मछलियों, काले भालू, पानी में तैरती कारों, चांद, सूरज, तारों तथा झील मिलाती तितलियों के चित्र बनाए, राइट। पेंसिल ने कौन कौन से चित्र बनाए वो। फिर है पेंसिल से आप क्या क्या काम करते हैं, तो पेंसिल से हम लिखते हैं तथा चित्र बनाते हैं, राइट। पेंसिल से हम लिखते हैं तथा चित्र बनाते हैं। ना उसके बाद तनीषा को लाल पेंसिल कहाँ से मिली, तो तनीषा ने स्वप्न में देखा। देखो अभी उसे मिली नहीं थी पेंसिल, बट उसने स्वप्न में देखा कि वह सुंदर लेखन प्रतियोगिता जीत चुकी है और उसे एक लाल पेंसिल पुरस्कार में मिली है, पुरस्कार यानी कि इनाम में। अधिकतर पेंसिलें पीले रंग की ही क्यों होती थी, तो शुरुआती समय में ग्रेफाइट चीन से आता था और जिसकी सहायता से हम लिखते हैं, चीन में पीले रंग को भव्यता और शान का रंग माना जाता था। चीन ने ग्रेफाइट देने से पहले यह शर्त रखी थी कि सारी पेंसिलें पीले रंग की ही बनाई जाए, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाफ मैन लीन मैन क्यों प्रसिद्ध हुए, तो दिनांक 19 नवंबर को अमेरिकी वैज्ञानिक हाफ मैन लीन मैन को रबर लगी हुई पेंसिल बनाने का पेटेंट मिला था। कई यूरोपीय देशों में इस दिन को फ्री पेंसिल डे भी कहा जाता है, 19 नवंबर को, इसी कारण हाफ मैन लीन मैन प्रसिद्ध हुए। नाउ प्रश्न नंबर 4, माँ ने तनीषा को क्या सीख दी, अभी लास्ट में हमने किया कि तुम भी पेंसिल की तरह कागज पर, जैसे जिस तरह पेंसिल कागज पर अपने निशान छोड़ती है, उसी तरह तुम भी अपने अच्छे कार्यों की छाप दूसरों पर छोड़ती चलो और पेंसिल की तरह एकाग्रता से काम करो, राइट। तो ये थे हमारे थोड़े से क्वेश्चन आंसर। आप पेंसिल से क्यों लिखते हैं, कोई 3 कारण बताइए। तो पेंसिल से लिखने पर अक्षर सुंदर बनते हैं,
गलती हो जाए तो उसने मिटाना आसान होता है। और हर रंगीन पेंसिल भी आती है, अभी हर रंग की पेंसिल भी मिलती है, जिससे हम लोग हमारी चित्रकला में भी सहायता होती है। राइट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन आंसर, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, ऐसा सब कुछ हमने देखा। नाउ आगे के सेशन में हमने चैप्टर 1, 2, 3 का ऑल ग्रामर कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट आपको जो वर्कशीट मिलती है उसको आप लोगों को प्रॉपर ध्यान से करनी है, राइट, समझना है और डन। नाउ आपकी FA1 एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। देन बाय बाय।